We've been discussing a lot in this panel about will teachers be replaced with AI tools? Or will they survive in this new world with AI? My opinion on that is very, very simple. Teachers are largely irreplaceable. And how we see that is from the stories of people like Mr. Anand Kumar, the director of Super 30, who has single-handedly helped so many underprivileged students and brought them to the light. How can an AI tool ever replace him? It's impossible. Notably, Mr. Kumar is the director of Super 30, a well-known institute for the preparation of competitive exams. He has been given the Padma Award, one of the highest honors in the country. On the occasion of receiving the said award, his responsibility was increased. He wants to further expand the Super 30 program for students from other states too, and also wants to start... That's it. Huh. Please, can I invite sir on the stage to please speak a few lines. Over to you, sir. यहाँ उपस्थित तमाम साथियों को मेरा प्रणाम. मैं ये जो विषय उठाया रवि सतलानी जी ने, आप लोगों ने बहुत अच्छा उठाया है. मुझे एक घटना याद आ रही है. आप लोगों में से सब लोगों ने तो फिल्म देखी होगी और पता भी होगा कि हमारे पिताजी पोस्ट ऑफिस में काम करते थे. एक बार हम लोग खाना खा रहे थे, दोपहर का टाइम था, पिताजी आ गए, बड़ा जल्दी आ गए. हम लोग पूछे क्या बात है पिताजी आज वापस आ गए. माँ भी पूछी, उन्होंने बताया बेटा आज पोस्ट ऑफिस में हड़ताल है, पूरे देश में हड़ताल है. हम कहे स्ट्राइक हो गया, क्यों स्ट्राइक हो गया है? तो अरे सरकार ने बहुत ज्यादती की है, लोग ऐसा बता रहे हैं, कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हो रहा है, अब आदमी बेरोजगार हो जाएंगे, कंप्यूटर आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा. तो हमने कहा ठीक है. करीब 10-15 दिन बाद पिताजी से पूछे कि अच्छा बताइए पिताजी, आपको क्या लगता है कि जो कंप्यूटर आ रहा है उससे सच में लोग बेरोजगार हो जाएंगे, दुनिया खराब हो जाएगी? उन्होंने कहा नहीं बेटा, यही तो मेन थीम है समझने लायक कि जब भी चेंज हुआ है बड़ा, दुनिया को हमेशा फायदा हुआ है. इसलिए हमेशा तुम ये मान के जीवन में चलना कि परिवर्तन सबसे बड़ा सत्य है. तो दोस्तों इस बात को हमने दिमाग में बैठाया और उन्होंने कहा एक और तुमको नसीहत देते, हमेशा यंग एज के बच्चों के साथ, तुम बूढ़ा भी हो जाना, यंग एज के बच्चों के साथ दोस्ती बरकरार रखना ताकि बदलाव को समझ पाओ, उनके दिमाग को समझ पाओ. ये किया. फिल्म में आपने देखा कि सबसे पहले मेरे पास पैसा आया कोचिंग सेंटर में पढ़ाने पर तो हमने एक मोटरसाइकिल ली. नहीं, सबसे पहले हमने लिया था एक कंप्यूटर. सोचिए हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ आनंद कुमार कंप्यूटर खरीदा. हमारे एज के उस समय जितने टीचर्स थे सब लोग हाथ से लिखते थे और टाइप करके, दूसरे से टाइप करके क्वेश्चन बांटते थे, पेपर तैयार करते थे. हम लोग सोचे कि नहीं टाइप सीखेंगे, कंप्यूटर सीखेंगे, कंप्यूटर खरीदो, कंप्यूटर खरीदा. हमारा सुपर 30 का वेबसाइट, सुपर 30 का वेबसाइट की भी कहानी है कि वो भी हमने किताब पढ़ के बनाई. सब चीज कंप्यूटर सीखा, टाइपिंग सीखा, सब चीज सीखा, समय बदलते गया और सब कुछ सीखा. पता चला उस समय गूगल नहीं था, उस जमाने में कंप्यूटर लिया. कंप्यूटर उस जमाने में लिया जब इंटरनेट कनेक्शन पटना के 2-3 लोगों के पास था. एसटीडी से जोड़ना पड़ता था कलकत्ता, कलकत्ता डायल करके हम लोग उससे काम करते थे. लेकिन फायदा कितना हुआ, जो काम हम लोग करते थे कि 15 दिन में चिट्ठी लंदन भेजते थे कोई नए टॉपिक पर रिसर्च करके पेपर बना के, और 15-20 दिन बाद जवाब आता था, 1.5 महीना एवरेज लगता था, वो आज टाइप किया, सो गए, सुबह देखे तो जवाब आ गया. कितना क्रांतिकारी परिवर्तन था. तो परिवर्तन को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए. जो चेंज हो गया उसको एक्सेप्ट करके उसके कैसे लाभ उठाया जाए. हम जितना लाभ उठाते हैं ना, आप लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं. आपको लगता होगा कि वो देहाती मास्टर है, बेचारा झोपड़ी में पढ़ाता नहीं, बहुत लाभ उठाते हैं. जब आया इंटरनेट का जमाना तो अमेजॉन आया, तो अमेजॉन का हम इंडिया के, हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि 100 पहला या 50 ग्राहक में हम हो गए. उस समय अमेरिका से डील करता था, सिर्फ किताब बेचता था, एक किताब खरीदने का $10 लेता था, क्रेडिट कार्ड से पैसा दीजिए, क्रेडिट कार्ड
जाता था मैं बनवाने, बनाता नहीं था उस समय, बिहार नहीं कलकत्ता में क्रेडिट कार्ड बनाने गए, भगा दिया कि भागो यहाँ से, तुम तो देखने ही में लगते हो क्रिमिनल बदमाश दाढ़ी वाले। तो उसको हाथ पैर जोड़ा, अब किताब आने लगी, अब किताब जब आने लगी दिया क्रेडिट कार्ड, तो जीवन मेरा बदला, पढ़ाने का तरीका बदला, सोचने का तरीका बदला। उसी तरह से एआई है दोस्तों, इसको समझने लायक चीज है, ये बहुत जीवन को बदलेगा, इसमें बहुत सारे बदलाव आएंगे और उसको सीखने लायक चीज है। इसको कभी आप ऐसा मत समझिए कि टीचर को रिप्लेस कर देगा, टीचर इससे कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं, टीचर इसका यूज करके कैसे अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, इसका समय आया। आजकल हम भी चैट जीपीटी का यूज करते हैं, कोई टॉपिक पर बोलना है, कुछ पर करना है तो उसको लिख देते हैं, देखते हो क्या क्या लिखता है, क्या क्या सजेस्ट करता है, उससे नया और अलग आप कैसे बोल सकते हैं, इसका प्रयास करिएगा तो आपके स्टूडेंट आपकी इज्जत जरूर करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। और कितना भी गूगल आ जाए, चैट जीपीटी आ जाए, कुछ भी आ जाए, सबसे बड़ा हम अपना लाइफ में देखा, अपना जो लाइफ एक्सपीरियंस है ना, उसका तो कोई कीमत नहीं, उसको तो कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता है। एक बार मान लीजिए आप लोग पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा रोने लगा, अचानक डर गया, तो उसको आप कैसे हैंडल किए थे, उसको कैसे पुचकारे थे, कैसे उसको समझाए थे, कैसे उसको डिप्रेशन से निकाले थे, चैट जीपीटी रहे या कोई एआई कभी बता ही नहीं सकता उस एक्सपीरियंस को, वो एक्सपीरियंस कभी ला ही नहीं सकता है। इसलिए आप क्या हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात का जीवन में हमेशा आप कॉन्फिडेंस में रहिएगा, अपने आप को विश्वास में रखिएगा कि जो आप कर रहे हैं उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। हम लोग क्लासरूम में जाते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, उसका आप पूछिए, एआई से पूछिए क्वेश्चन करके, वो जवाब देगा, उससे अलग होता है। एक कहावत है कि जितनी चीज नई आप सीखते जाइए, नई सीखते जाइए, नई सीखते जाइए, लेकिन जब आप प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो उससे भी नया चैलेंज आ सकता है, उसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। इसलिए पढ़िए लिखिए और जो जो नई चीज़ें दुनिया में हो रही है उसको जरूर समझने का प्रयास करिए, उससे दोस्ती करिए। और जो आजकल लोग बोल रहे हैं, हमारी पूर्व वक्ता भी बहुत अच्छा बोली, उन्होंने बताया कि कैसे बच्चे बिगड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, इस पर भी कभी डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को लग रहा है कि वो बर्बाद हो रहे, वो बर्बाद नहीं हो रहे, वो सही है। कैसे बताते हैं, हमारे पिताजी गाना सुनते थे सुरैया का, मुकेश का, तो हम लोग सोचते थे क्या सुन रहे हैं भाई, पिताजी बोलते थे बेटा क्लासिकल सुन, थोड़ा भीमसेन जोशी को सुन, थोड़ा सा तुम पुराने लोगों को, हम लोग क्या कह रहे पिताजी, फिर पिताजी कहते थे अच्छा तुम, हम भूल रहे हैं, सॉरी सॉरी, तुम किशोर कुमार को सुन रहे हो, लाओ थोड़ा बहुत वायलिन बजाते थे, वायलिन पर हम किशोर कुमार का गाना निकाल के दिखाते, या नए गायक मोहम्मद अजीज या जो समीर कुमार उस समय, कुमार सानू ये सब थे, तो उन लोगों का भी वो गाना गाते थे और बजाते थे और वो बताते थे और वो बोलते थे, याद करिए आप लोग जब बच्चे थे, हम लोग बच्चे थे तो कॉमिक्स पढ़ते थे, तो माता पिताजी कैसे रिएक्ट करते थे, छीन लेते थे किताब, अरे स्टोरी बुक पढ़ता है, कॉमिक्स पढ़ता है, चलो हटाओ लो, और बहुत टेंशन में रहते थे। आजकल हम लोग अपने बच्चों को क्या कहते हैं, बाबू मत स्नैपचैट देख, मत इंस्टा देख, थोड़ा किताब पढ़ ले, थोड़ा कॉमिक्स पढ़ ले, स्टोरी बुक पढ़ ले। तो बताइए वो जमाना आप देखिए कि वो जमाना था, तो इसी तरह से जो आज बच्चा कर रहा है ना, उसको रोकिए मत, उसको कभी भी डांटिए मत, उसको कभी छीनिए मत, हमेशा उसको ये बोध जरूर कराइए जो हम अपने बच्चों को कराते हैं, 300 बच्चों को सुपर 30 पे, जो तुम कर रहे हो वो सही है या गलत, इसको होश में करो, कभी भी तुम हवा के झोंकों में मत चलो, जहां भीड़ जा रही है उसके पीछे पीछे मत चलो, बल्कि जो तुम कर रहे हो सही है या गलत ये तुम निर्णय लेके करो, जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो उस पर निगरानी रखो, ध्यान रखो। बच्चा पूछता है कैसे पता चलेगा सही और गलत का, कैसे हम अंदाज लगा लेंगे कि इसका कोई डिफिनेशन नहीं है क्या सही है क्या गलत है। एक महिला है जो राजस्थान में पूरा घूंघट डाल के चल रही है, उसके लिए जो साड़ी पहनी हुई महिला वो गलत बता देगी, साड़ी वाली जीन्स पहनने वाली को गलत बता देगी, तो सबका वो अपना अपना लेवल है क्या गलत है क्या सही है। हम बच्चों को सिर्फ यही सिखाने का प्रयास करते हैं कि तुम एआई का यूज करो, तुम सोशल मीडिया देखो, हमेशा एक ख्याल
रखो दो बातों का कि पर डे तुम्हारी जिंदगी बदल रही है या नहीं, हर दिन कुछ तुम नया सीख रहे हो या नहीं, और कहीं इस बात का तो ध्यान तुमने हटा तो नहीं दिया कि तुम किसी को दुख तो नहीं पहुंचा रहे हो। कोई काम बुरा नहीं है हमारे समझ से, अगर आप किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, किसी का हार्म नहीं करते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते और अपने जीवन को भी धीरे धीरे विकसित कर रहे हैं, तो बच्चों को तंग नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उनको खिलने फूलने फलने का पूरा मौका देना चाहिए। और बस हम ज़्यादा नहीं बोलते हुए एक आध बात और ये आपको बताना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के अनुसार कि हमेशा जो टीचर मेहनत किया है, पढ़ा है, लिखा है, अब तो हम फायदा उठा लेते हैं। आजकल गए चाइना, गए घूमने, गए इतनी किताब खरीद के ले आए। पहले किताब चाइनीज में मैथमेटिक्स की किताब थी, समझ में नहीं आती थी, अब क्या है कि गूगल ट्रांसलेट से उसको स्कैन किए पढ़ लिया, एक से एक नया चाइनीज सवाल पता चला कि भाई इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में पिछले 20-25 साल से लगातार चाइना नंबर वन है। तू अपने ट्रेनिंग सेंटर पर लोगों को क्या पढ़ाता है, हम लोग को पता नहीं, वो स्कैन करके पढ़ लिया। अब उसको एआई क्या करेगा कि कुछ और नया सवाल वैसे बना देगा हमारे बच्चों के हिसाब से, आईआईटी के प्रॉब्लम के हिसाब से, उसका हम लोग फायदा उठा लेंगे। तो फायदा उठाना वाला कौन चलाक आदमी है और बड़ा विरोध करते रहे बोलते रहे, उससे समय ही होगा। अपने बच्चों को पुरानी चीज़ों के प्रति खींचते रहे, ये भी अच्छी बात है। हम भी तो आजकल जितने नए गायक हैं, गायिका हैं, सिंगर, सबको सुनते हैं, सबको देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। समय के अनुसार जो चलेगा वही आगे बढ़ेगा। और हमारा काम जो भी है, बच्चे जो अंडर प्रिविलेज क्लास के आते हैं, हम आज मिलवाना चाहेंगे कि एक हमारे साथ बच्चे हैं जो अभी रेलवे में बहुत बड़े ऑफिसर है, शशि जी खड़े हो जाइएगा, कहाँ बैठे हुए आप शशि जी, यहाँ बहुत अधिकारी है, बहुत गरीब घर से पढ़ के, खाने पीने की भी दिक्कतें थी, वहाँ से यहाँ अभी जयपुर में पोस्टेड थे, और बैठ जाइए और देखिए। एक इसलिए नहीं कि हम पढ़ा दिए और ये सफल हो गए, बल्कि इसको क्या एआई रिप्लेस कर सकता है, जो हम लोगों में रिलेशन है, कभी नहीं कर सकता है। तो आप अच्छा टीचर है, आपके मन में अच्छा है, आपके आपका चेला स्टूडेंट जो भी कहीं अच्छा है, कभी नहीं कर सकता है। और रवि जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि रवि जी ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। हम तो पूरे दुनिया में घूमते हैं, देखते हैं, ये पूरा जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, एकदम वर्ल्ड क्लास है। हम इस बात को आज सुबह सुबह 2-3 लोगों को बताया कि देखिए आप बहुत मिस कर दिए जो एजुकेशन फील्ड से लोग, आपको ऐसे प्रोग्राम में आना चाहिए, सीखना चाहिए। हम भी समय के दबाव में थे, मेरी भी इच्छा थी कि पूरा प्रोग्राम में बैठ के सुने, और जो लोग सुन रहे हैं उनको भी बता रहे। हमेशा इस बात का हमने देखा है कि फ़ायदा है, अगर आप 10 लोगों के विचार को सुनिएगा तो उनके जीवन का अनुभव होता है, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो चलते चलते मैं ये बोलना चाहूँगा कि लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत है, बच्चों को खिलने दीजिए, फलने दीजिए, फूलने दीजिए, उनको सड़क पर अकेले जाने दीजिए, अकेले साइकिल चलाने दीजिए, अकेले ऑटो चालक से अगर भिड़ंत होता उसको समझने दीजिए। दुनिया का लाइफ एक्सपीरियंस से बड़ी कीमती कोई चीज़ नहीं है। अगर बच्चों में आप लाइफ एक्सपीरियंस डाल दिया, उसको खिलने का, फलने का, फूलने का मौका दिया, तो फिर एआई का वो अच्छा उपयोग कर पाएंगे, उसको अच्छे से उपयोग करके इस पूरे दुनिया को खुशनुमा बना पाएंगे। और यहाँ सहनाई बज जाए, ढोलक बज जाए, उसके पहले ही मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।